अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी दुबई जाना चाहते हैं यानी दुबई के रास्ते सऊदी अरब जाना चाहते हैं, तो आपने बस करना क्या है, ये GDRF एक फॉर्म है, इसको भर लेना है। ठीक है, ये बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान फॉर्म है। और उससे कबल आपने 50 घंटे कबल अपना एक PCR का टेस्ट करवाना है, और उसके बाद जब आप दुबई पहुंचेंगे वहां पर एयरपोर्ट के बाद, वहां पर भी आपका एक PCR का टेस्ट करवाया जाएगा। अगर वहां पर आपका टेस्ट जो है नेगेटिव आता है तो आप आज़ाद हैं, अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आप उस पर क्वारंटीना करना पड़ेगा। तो आपने बस करना क्या है, इस फॉर्म को आपने फिल करना है और 50 घंटे पहले PCR का आपने टेस्ट करवाना है। दोनों डोजेज आपने ले ली होंगी वो आपको पता है, बाकी वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लेना है, वो आपने बनवा भी लिया होगा। तो ये GDRF का फाइल का ये एक फॉर्म है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाइटल पर क्लिक करेंगे तो इस पर आपको पासपोर्ट नंबर मांगेगा, आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, और आपका जो पासपोर्ट की एक पिक्चर आपने अपलोड इसके ऊपर करनी है। ठीक है, अगर आपको इसका तरीका नहीं आता है तो आप किसी से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं, किसी आदमी से भी सर्विस ले सकते हैं। तो आपने इस तरह ये लाजमी ये फॉर्म आपने भरना है। तो आपने जैसे ही क्लिक करें इसमें आ जाएंगे, तो आपने रेजिडेंट नंबर लिखना है अपना, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, आप पाकिस्तान से जा रहे हैं तो आप पाकिस्तान से लिखें, इंडिया से जा रहे हैं तो इंडिया से लिखें, जहाँ से भी। जैसे ही आप इस आई एम नॉट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करके आपने आगे जाना है, तो इसके ऊपर आप प्रैक्टिकली देख भी लें आपसे कौन कौन सी चीज़ें ये डिमांड कर रहे हैं, वो चीज़ें ताकि आप अरेंज करके रख सकें। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी अपडेट है, अगर अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।